हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नोएडा एक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन स्मार्टफोन्स के बारे में जिनको नए FOTA अपडेट्स मिले हैं। एंड यहां पर जो सबसे पहला स्मार्टफोन है वो है सैमसंग का गैलेक्सी A8 प्लस। यहां पर सैमसंग के A8 प्लस को इंडिया के अंदर एक नया FOTA अपडेट मिला है। इस अपडेट के अंदर बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर सैमसंग ने अगस्त का सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड किया गया। और यहाँ पर बात करें हम अपडेट फाइल के बारे में तो 221 यानी कि 221 MB के आसपास की यहाँ पर अपडेट फाइल थी। एंड सैमसंग ने डिस्क्रिप्शन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि क्या कुछ इंप्रूव करा है। यहाँ पर सिर्फ बताया गया है कि 1 अगस्त का सिक्योरिटी पैच हमें देखने को मिलता है सैमसंग के गैलेक्सी A8 प्लस में। बट अगर मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सैमसंग ने इस अपडेट के अंदर कुछ और भी इंक्लूड करा है तो मैं डेफिनेटली आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा या फिर अपने सोशल मीडिया पर बता दूंगा। तो मेक श्योर आपने सोशल मीडिया पर फॉलो किया हो। और बात करते हैं अगले स्मार्टफोन के बारे में, तो वो है सैमसंग का गैलेक्सी A7 2018 मॉडल। एंड यहाँ पर सैमसंग के A7 2018 मॉडल को एक नया FOTA अपडेट मिला है। बेसिकली इस अपडेट के अंदर सैमसंग ने एक सिक्योरिटी पैच तो इंक्लूड करा है। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैच है वो है सितंबर 2019 का, यानी का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच। और यहाँ पर जो अपडेट की फाइल है वो अराउंड 420 MB के आसपास की है। तो पता नहीं अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि सैमसंग ने अपने A7 2018 में क्या कुछ इंप्रूव करा है। बट जैसे ही मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी दैन अगेन मैं आपको अपने सोशल मीडिया पर बता दूंगा। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके फॉलो कर लेना। और यहाँ पर जो अगली न्यूज़ है वो सैमसंग के गैलेक्सी J5 Pro के लिए है। एक्चुअली मेरा डिवाइस इंडिया में रिलीज़ नहीं हुआ बट काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स मेरे आउट ऑफ इंडिया के भी है। तो सैमसंग के J5 Pro को जो है ऑफिशियल एंड्रॉयड पाई का अपडेट मिल चुका है अगस्त के सिक्योरिटी पैच के साथ में। एंड ये जो अपडेट है ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ में रिलीज़ किया गया आउट ऑफ इंडिया, जैसे कि पाकिस्तान और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में रिलीज़ किया गया है। और अपडेट की जो फाइल अराउंड 1083 MB के आसपास की थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो काफ़ी लेट रिलीज़ करा सैमसंग ने अपने J5 Pro के लिए, J7 Pro के लिए काफ़ी टाइम पहले रिलीज़ कर दिया था। बट अच्छी बात यह है देर आए बट आ गए। सैमसंग के गैलेक्सी J7 Max का तो कुछ अता पता ही नहीं है कि उससे मिलेगा भी या नहीं। सो यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो चली गई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो भाई मतलब सब्सक्राइब कर देना के दिया। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।